Can you dig it, sucker? हाँ जी, आपने अभी कॉल की थी मुझे. हेलो. जी जी. वालेकुम सलाम. अभी आपकी कॉल आई थी मुझे. जी सर, आपको ये परमिशन आपको दे रहे हैं कि आपके नंबर पे इनामत है 5 लाख का. एक शानदार करोला गाड़ी है, यूफोन कंपनी की तरफ से आपको मुबारक हो. यार एक बात तो बताओ पहले कि ये मुझे कॉल तो 333 से आनी चाहिए थी, हेल्पलाइन से. तो आपके नंबर से कैसे आ रही है? वालेकुम सलाम. मुझे आपसे एक बात करनी थी कि मुझे अभी कुछ देर पहले एक कॉल आई है. और हेलो. जी, मुझे कुछ देर पहले एक नंबर से कॉल आई है और वो साहब फरमा रहे थे कि मैं यूफोन के हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ और आपका फलाना फलाना इनाम निकला है. तो आप लोग ऐसी कॉल को रोकते क्यों नहीं है यार? मतलब हम जो गरीब बंदे हैं, मतलब मैं तो, मुझे तो पता था जो गरीब हैं वो अगर उनको कुछ कहने पर कुछ कर दें तो. अगर हम हर कस्टमर की कॉल पे चेक रखना शुरू हो जाए तो ठीक है, उससे तो डेफिनेटली मालूम हो जाएगा आपको कौन सी कॉल है. लेकिन फिर आप उससे ये एतराज जरूर उठा सकते हैं कि आपकी हर कॉल तो नहीं जा रही है. नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे तो मालूम है. अब जिसको नहीं मालूम वो अगर इनके कहने पे कुछ करे तो. जिसको मालूम नहीं है वो हेल्पलाइन पे कॉल कर सकता है. हेल्पलाइन इसके लिए मौजूद है कि आपको फैसिलिटेट किया जा सके. ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल आपको रिसीव हो रही है, मुझे बताइए. जी आपको हेल्प आउट कर. जी 0334. इसी नंबर पे कॉल आपने रिसीव की है जिससे रब्ता कर रहे हैं? जी जी, इसी नंबर पे. नंबर बताइएगा प्लीज. जी 0334 04 82 183. जी ठीक है. इंसान ने आपको कोई और नंबर कंफर्म किया? नहीं, यही नंबर इन्होंने पहले मुझे कॉल की कि अभी हम आपका 5 लाख का इनाम निकला और थोड़ी देर बाद आप इसी नंबर पे कॉल बैक कर लें. तो मैंने कॉल बैक की तो मैंने उनको बोला कि मुझे तो हेल्पलाइन से कॉल आनी चाहिए थी अगर ऐसा कोई सीन है भी सही तो. तो उन्होंने आगे से कॉल काट दी फिर. जी जी, यही मुझे, मैंने अब आपको कॉल किया तो इससे पहले ही मैंने उनकी कॉल डिस्कनेक्ट किया तो 2-3 मिनट हुए होंगे. जी ठीक है, थैंक यू. ओके.